सीधा रुख करेंगे बीजापुर की तरफ। तो बीजापुर से हमारे संवाददाता सतीश अल्लुड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, आज क्या क्या खबरें दिन भर जिले में सुर्खियों में बनी रहने वाली हैं? जी मैडम, मैं बताना चाहूंगा आपको किस तरह का संवेदनशील जिला है उसको देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को मुहैया कराना काफी चुनौती। इस चुनौती को बदतर तरीके से डॉक्टर अजय राम टेके ने जिस प्रकार का जिले की स्वास्थ्य जो पद से बदतर हुआ करती थी, आज की स्थिति में इतनी ज्यादा सुदृढ़ हो चुकी है। और जिस प्रकार से डॉक्टर अजय राम टेके ने जब से कार्यभार संभाला है, हर प्रकार की सेवाओं के लिए जिले में काफी तरीके से डॉक्टर जो अपनी उपलब्धियां पा रहे हैं कि जो सेवाओं के लिए कभी रेफर केस के नाम से जाना जाता था जिला मुख्यालय, वो अब बदल करके यहाँ पे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं है तो पहुंचाया जाता है। साथ ही साथ जो डॉक्टर्स का जो पैनल आए हुए हैं, जो नए डॉक्टर्स आए हुए हैं, उनके पैनल भी काफी हर तरह से जो है मुहिम छेड़ी हुई है कि कहीं पे प्रकार का अगर समस्या दिख रहा है तो समाधान करने का प्रयास किया जाए। मैं आपको बताऊं कि कल हमने कुछ डॉक्टर्स की टीम को देखा था, कुछ स्टाफ नर्स को देखा था, टीम को देखते जहाँ पे ये लोग 3 दिवस के कार्यक्रम में मौजूद थे और वहाँ पे सभी डॉक्टरों का इलाज कर पा रहे थे। वो भी इस तरह के क्षेत्र में वहां पे पाना किसी टीम के लिए बहुत बड़ा मुश्किल का बात होता है। हमने उनको देखा ट्रैक्टर में बैठ करके लोग जो है 25 से 30 किलोमीटर का सफर। जब वो लोग एक जन चौपाल लगा करके लोगों की समस्याओं का निवारण करते थे, जो चीज थी वो देखने को मिली। और इससे हम सीधे आज जो है एमएचओ पहुंचे हैं, जो जिला अस्पताल डॉक्टर है अजय राम उनके पास हम सीधा पहुंचे हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि और किस कदर और भी ज्यादा किस पे प्रयास कर रहे हैं। हमारे राजनीतिक बताइए और जी धन्यवाद सतीश।